भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आज का यह वीडियो आप सबको आपके केंद्रों पर गतिविधियां करवाने में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। तो आइए आज सीखते हैं हापर स्कोच क्या होता है। तो हापर स्कोच जो गतिविधि है वो बच्चों को आप कैसे कराएंगी, सबसे पहले उसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि एक जो यहां पर स्थान आपको अपने वहां पर जो है चयन कर लेना है, अच्छा सा आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर का ही कर लें चाहे आप, तो उसमें करना क्या है कि 10 चौकोर आपको खाने जैसे बना लेने हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने बनाए हैं। इसको अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगी तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। इसमें जो है 10 चौकोर खाने हैं, और चौकोर खाने बहुत छोटे नहीं बनाने हैं, ऐसे बनाओ कि बच्चा उसमें कूदते हुए जाएगा तो उस खाने में आराम से कूद पाए और उसमें यानी कूदते हुए खड़ा हो पाए, कोई भी लकीरें टच ना हो या दूसरे गोले में ना जाए यानी दूसरे खाने में ना जाए। तो देखो स्टार्टिंग किया इन्होंने, सबसे पहले आगे आपको एक वाला रखना है, फिर उसके बाद दो खाने सीधी लाइन में है, दो और तीन नंबर उसके लिए बना लेना है, फिर जो चौथा है चौथा वाला बस सिंगल खाना बना दिया गया तो वो सिंगल हो गया, फिर उसके बाद फिर से दो बना दिए गए पांच और छह के लिए, फिर ऊपर उसके एक सिंगल बना दिया गया सात वाला, फिर उसके बाद जो है यहां पर डबल बना दिए गए आठ और नौ के लिए, फिर सबसे ऊपर टॉप पर एक जो है बना दिया गया सिंगल दस के लिए। तो इस तरह से आपने देखा ऐसे कुछ खाने यहां पर बने हुए हैं, बहुत अच्छी सी एक आकृति बन गई है। अब अगर आप सीधी रेखा में भी एक दो तीन चार लिखते हुए दस तक चले जाएंगे, यानी कि एक ही लाइन में एक एक खाना सिर्फ, तो फिर आपको क्या होगा, फिर वो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ऐसे क्या करना है, एक दो तीन वाले देखो यहां पर अंतर कर दिए, एक वाला पहले एक खाना सिंपल है यानी सिंपल है, एक है, उसके बाद दो खाने जो है एक साथ जोड़ दिए गए, दूसरा तीसरा हो गया, फिर चौथा वाला देखो सिंगल कर दिया, फिर पांचवा छठा डबल कर दिया, ऐसे लाइन में दो कर दिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा जब बोलेगी दो की तरफ जाओ तो दो की तरफ चला जाएगा, जैसे एक से बोलेंगी तीन की तरफ जाओ तो बच्चा एक से तीन की तरफ आ जाएगा, अगर आप बोलेंगे एक से दो की तरफ जाओ तो दो की तरफ चला गया। मान लो बच्चा दो की तरफ है, अब उसको बोलेंगी आप कि दो से तीन में जाओ, या फिर मान लो कहोगी दो से डायरेक्ट चार में जाओ तो बच्चा दो से चार में चला जाएगा। तो ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो अब देखो यहां पर लिखा भी क्या है कि छोटे बच्चों को जो है यहां पर छोटा पत्थर दें और उसे जो है पहले चौकोर में फेंकने के लिए कहें, तो पहला चौकोर में फेंकेगा, अब उसे एक पैर से कूदते हुए पहले चौकोर को छोड़ करके दूसरे चौकोर पर जाने के लिए कहें और उसी प्रकार आगे बढ़ने के लिए भी उसको कहें, जहां पर चौकोर जोड़े में बने हैं वहां बच्चों को दोनों पैरों से जो है इस प्रकार कूदना है कि कहें कि एक पैर दाएं चौकोर में और दूसरा जो है बाएं चौकोर में। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जहां पर डबल डबल चौकोर है वहां पर जब बच्चा कूदेगा उनमें तो दोनों में एक एक पैर उसका जाएगा, यानी पैर फैलाते हुए वो कूदेगा। अब कूद पाए तब तो ठीक, नहीं तो गिर ना जाए, इसका भी ध्यान रखना। तो पहले क्या करना है, सिंगल वाले में तो दोनों पैर उसी में जाएंगे, लेकिन जहां पर दो चौकोर दिख रहे हैं जैसे कि दो और तीन में है, पांच और छह में है, आठ और नौ में है, तो इनमें जब बच्चा कूदेगा इसके पीछे वाले से जब इसमें आएगा तो उसमें क्या करेगा, उसके इस तरह कूदेगा कि दो जो पैर है वो एक एक पैर दोनों जो चौखानों में चला जाए। ठीक, अब देखो जहां पर चौकोर जोड़े बने हैं वहां पर दोनों पैरों से इस प्रकार कूदना मैंने आपको बता दिया। आखिरी यानी कि दसवें चौकोर पर बच्चों को दोनों पैरों से कूद करके पलटने के लिए कहना है, यानी कि यहां पर दोनों पैरों से कूदेगा। ठीक, एक ही जिनमें एक ही है उनमें दोनों पैरों से एक ही गोले में तो रहेंगे, तो जैसे कि एक हो गया, चार हो गया, सात हो गया, दस हो गया, इनमें दोनों पैर एक साथ जो है लेकर के की गोले में उसको कूदना है। अब उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर वापस में भी वही चीजें, यानी कभी जो है पैर एक ही में जोड़ा करके कूदा, फिर उसको फैला करके कूदा, फिर जोड़ा करके, ऐसे करके वो कूदता जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को करवाना है। अब देखो आगे क्या है, इसी तरह से वापस आने के लिए भी बच्चों को उसी में कहना है। फिर देखो टायर रेस होती है, तो टायर वगैरह आपको पता होगा गांव में जो बच्चे होते हैं वो टायर बहुत चलाते हैं, कभी ना कभी आप लोगों ने भी काफी लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों ने में से भी जो है काफी लोगों को पता होगा, चलाए भी शायद होंगे बचपन में, तो टायर जो होते हैं वो चलाए जाते हैं। अब इसमें देखो पतले ट्यूब वाले जो टायर हैं और तीन छोटी मजबूत जो लकड़ी के टुकड़े हैं, लकड़ी के टुकड़े इसलिए जरूरी है क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा भागते रहो और टायर पर लकड़ी से ही मारते रहो, इस तरह से टायर चलाए
पाया जाते हैं। तो इस तरह से टायर चलाने वाला भी बच्चा खेल सकता है। अब इसमें क्या है, जमीन पर दो पंक्तियां इस प्रकार खींच लेनी है और उनमें कम से कम 45 फीट की दूरी भी आपस में उनके रखनी है। अब तीन बच्चों को एक देखो एक दूसरे के बीच की दूरी 45 नहीं है, ये टोटल दूरी है जहां तक बच्चा चलाते हुए जाएगा। अब तीन बच्चों को एक एक टायर और लकड़ी का सेट दे देना है और नियम उनको समझा देना है। पंक्ति शुरू करते हुए टायर को लकड़ी से चला करके दूसरे पंक्ति तक ले जाना है और यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है। तो जो वहां पहले पहुंचेगा वो रेस जीतेगा। इस तरह से टायर चलाने के वाला भी एक प्रतियोगिता आंगनबाड़ी केंद्र पर किया जा सकता है। अब तीनों पैरों की एक रेस होती है, तो तीन पैरों की रेस। अब आए भाई देखो ये तीन पैर कहां से आ गए, तो तीन पैर वाली रेस आपको हम सिखाएंगे। चित्र में आप देख सकते हो तीन पैर कैसे, देखो यहां पर एक लड़का एक लड़की है, या फिर एक जो दोनों लड़के लड़के ले लो या लड़कियां लड़कियां ले लो। तो यहां पर करना क्या है कि उनके जो बीच वाले इस तरह से देखो खड़े हैं, साइड वाले दोनों के पैर खुले हैं, बीच वाला जो पासी पास के दोनों पैर है ना, उनको क्या किया उन्होंने एक रस्सी से हल्का बांध, यानी बांध दिया है एक रस्सी से। लेकिन इसमें बहुत जो है सावधानी पूर्वक चीजों को करवाना है। अब ये देखो दोनों इनके पैर बंधे हैं बीच वाले, अब इनके कितने पैर हो गए, इनके तीन पैर हो गए, क्योंकि एक लड़की का इधर का पैर एक लड़के का इधर का पैर, दो पैर ही इनके एक एक जो है खुले वाले हो गए, और एक जो पैर बंधा है जिसमें एक लड़का और लड़की दोनों का है तो वो भी एक ही पैर माना जाएगा क्योंकि वो बंध गया है, अब वो एक साथ काम करेगा। तो इसमें जो है यहां पर अब आगे देखो क्या करना है, तो जमीन पर दो पंक्तियों में इस प्रकार खींच लेना है, उनमें कम से कम 24 फीट की दूरी रखें, दो बच्चों को जो है जोड़े बनाए और बच्चों को जो अपने दाएं पैर और दूसरे बच्चे के बाएं पैर इस प्रकार बांध देने हैं कि वह बंधे हुए पैरों पर नियंत्रण करते हुए दौड़ लगाए। अब आप प्रत्येक जोड़े के निर्देश दें कि उन्हें पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक दौड़ना है, जो जोड़ी जो है पहले से दूसरी पंक्ति तक पहुंचेगी वो जोड़ी जीतेगी। इस तरह से कई अपना बच्चों का जोड़ी बना लेना है, दो दो तीन तीन चार चार जोड़ियां बना लेनी है, जिस तरह आपके वहां बच्चे हैं और जो खेलने लायक हैं इस उम्र के 5 से 6 वर्ष वाले, अब देखो उनके लिए ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इस तरह से वो बच्चा क्या करेगा, खेलते हुए आगे जाएगा। तो एक तो ये बहुत ही अच्छी सी गतिविधि। फिर आता है चौथे चक्र का समय। अब चौथे चक्र में क्या है, अब इसमें जो गतिविधियां होने वाली होती है ये उनके बारे में देखते हैं। तो इनको दो समूहों में बांट दिया गया, 3 से 5 वाले और 5 से 6 वाले। अब देखो इसमें रचनात्मक कार्य 3 से 4 वालों को सोमवार बृहस्पतिवार, 4 से 5 वालों को सोमवार बृहस्पतिवार, यानी इनका सेम सेम चलेगा, 3 से 4 और 4 से 5 का सेम सेम, 5 से 6 वालों का अलग है। उनका रचनात्मक कार्य जो है वो शुक्रवार को चलेगा। विद्यालय की तैयारी 3 से 4 वालों की बुधवार शनिवार, 4 से 5 वालों की भी बुधवार शनिवार, लेकिन 5 से 6 वालों की सोमवार और बृहस्पतिवार। गतिविधि पुस्तिका 3 से 4 वालों की शुक्रवार, 4 से 5 वालों की भी शुक्रवार और 5 से 6 वालों की बुधवार और शनिवार। तो इनका यहां पर ये समय बदल गया। अब विद्यालय की तैयारी के लिए देखो क्या यहां पर चीजें को ध्यान में रखना है। अब फिर उसके बाद में आती है 8A की जानकारी, जो कि 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं। तो अब हम सीखेंगे 3 से 5 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग के अनुसार क्या गतिविधियां उनके लिए होनी चाहिए। तो 3 से 5 में दो तरह के बच्चे आ जाएंगे, 3 से 4 साल और 4 से 5 साल। तो 3 से 5 वालों का इकट्ठा सीख लो। अब हिंदी में जैसे कि ध्वनियों की पहचान करना, तो बच्चा ध्वनियों की पहचान करना सीखेगा, पहली ध्वनि को पहचानना सीखेगा। उसमें से देखो यहां पर जैसे कि ध्वनियों में है आपका मा हो गया, का हो गया, चा हो गया, बा हो गया, पा हो गया, सा हो गया, ला हो गया, वा हो गया, ता हो गया, रा हो गया, ना हो गया। इस तरह से बच्चे इन ध्वनियों को पहचानना सीखेंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे कि बच्चों को कमल का चित्र आपको दिखा देना है और पूछना है जब मैं कमल बोलती हूं तो इस शब्द की पहली ध्वनि क्या है, तो बच्चा बोलेगा कमल में पहली ध्वनि का होती है, तो वो का बोलेगा। ऐसे करके देखो यहां पर आंगनबाड़ी बहन क्या कर रही है, एक साइड में देख सकते हो तो कमल दिखा रही है, तो बच्चों को दिखा दिया कमल, अब बोल दिया। अब उसके बाद जो है यहां पर बच्चों से पूछेंगे कि इसकी पहली ध्वनि कमल की क्या है, तो कमल लिखा भी है, कमल बना भी है, अब देख सकती हूँ तो कमल में का लिखा। तो बच्चों को पहले भी आपको पढ़ा देना, सिखा देना कि इसमें जो है जो पहला अक्षर होता है वही जो है ध्वनि होती है। अब मान लो इस तरह से आपको बता देना कुछ सिंपल चीजों में। अब देखो का हो गया इसमें, तो पहली ध्वनि बच्चा बता दिया का, तो इस तरह से इनको जो है आसानी हो जाएगी। अब देखो चित्रों को छाटना, पहली ध्वनि के आधार पर चित्रों को कैसे छाटा जाएगा, तो यहां पर पहली ध्वनि में आपके यही समय जो मैंने आपको अभी बताए। अब इनमें करना क्या है, बच्चों को मां से शुरू होने वाले चित्र और वस्तुओं को छाटने के लिए जैसे कि कहना है, जैसे कि आपने बहुत सारे इसमें चित्र रख दिए, मटका है, मिर्ची है, मेज है, ऐसे देखो कई चीजें यहां पर दिख रही हैं, तो यहां पर इस तरह के चार्ट रख दिए। अब बच्चे इसमें से मां वाली जो ध्वनि होगी उस तरह के कार्डों को छाटेंगे, जैसे कि मटका छाट लिया, मेज छाट लिया, इस तरह से चीजों को छाट लेंगे। ठीक, फिर है एक समान ध्वनि से शब्द बनाना, तो एक समान ध्वनि से शब्द कैसे बनेंगे, जैसे कि बच्चों को मां से शुरू होने वाले अन्य शब्द बोलने के लिए कहना है, तो जैसे कि आप देखो मेज हो गया, एक बच्चा बोला,
दूसरे से बोलो माँ से और कौन सा अक्षर बन सकता है, तो उसने देखो बच्ची ने बोला मछली हो गई, ये देखो यहां पर एक लड़की है इसने कहा मटका हो गया, ठीक ऐसे करके सब अपना बताते रहेंगे। तो इस तरह से माँ से ध्वनियों के आधार पर जो शब्द बन सकते हैं वो बच्चे बताएंगे। ध्वनि के प्रतीक को पहचानना, तो ध्वनि की जो प्रतीक होती है उनको पहचानना, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों को कमल का चित्र दिखाया आपने, पहले ध्वनि को पहचानने के लिए कहा, फिर का के प्रतीक से परिचय करवाएं, ठीक। तो यहाँ पर जो का के अन्य जो प्रतीक हो सकते हैं उनके बारे में यानी कि बताओ, जैसे कि जो है का से कमल हो गया, का से कबूतर हो गया, ठीक। इस तरह से चीजों को और जो है समझा सकते हैं डिटेल से। और देखो नाम टैग से पहले ध्वनि को पहचानना, तो नाम जैसे बच्चों के जो नाम होते हैं उनके नामों में पहले के अक्षर में कौन सी जो है ध्वनि है उसको भी बच्चों के सामने करवाओगे, उसमें से भी बच्चा कुछ सीख लेगा। जैसे कि बच्चों को माँ से शुरू होने वाले नाम टैग को छांटना है, बहुत से आपके वहां पर बच्चे होंगे तो उनमें सबके अलग अलग नाम होंगे और अलग अलग नाम के आधार पर अलग अलग उनकी जो है शुरुआती ध्वनियां होंगी अक्षरों की, पहला अक्षर। तो अब देखो यहां पर जैसे कि मनीषा है, यहां पर मुस्कान है, इनमें माँ वाले सब निकल के आ गए, तो इनमें से भी बच्चा अपना जो भी होगा उसको जो है यहां पर छांटेगा जो माँ से शुरू होंगे। तो जैसे मोहन हो गया, ठीक, मुदित हो गया, इस तरह से भी चीजें जो उसमें दिखाई देगा होंगे नाम तो वो छाटेंगे, जरूरी नहीं माँ के और भी हैं उनके भी आप जो है स्टार्टिंग के जो है छटवा सकते हो, तो उनको भी ध्यान देना। अब देखो फिर है आपका मिस्ट्री बैग, और पहली ध्वनि को पहचानना, इसमें देखो क्या होता है, ये है आपका मिस्ट्री बैग जो कि इन्होंने ले रखा है। अब इसमें हम आपको बताते करना क्या है, एकत्र की गई सामग्रियों को कपड़े के बैग में रखना है, बच्चों से बैग में से एक वस्तु निकालने के लिए कहना है, निकाली गई वस्तु की पहली ध्वनि को पहचानने के लिए कहना है। सामग्री में रहेगा एक कपड़े का बैग, केंद्र या घर पर सरलता से मिलने वाली कुछ वस्तुएं, परिचित ध्वनियों से शुरू होने वाली वस्तुएं होनी चाहिए। तो इस तरह से चीजों को ध्यान देना है। अब बच्चा निकालेगा इसमें से, पूछेगा इसमें से, ये देखो मैडम जी पूछ रही है इस वाले बैग में से निकाल करके कि बताओ ये क्या है, तो जो भी निकलेगा उसके हिसाब से बच्चा बताएगा, उनकी पहली ध्वनि भी बताएगा। आखिरी ध्वनि को पहचानना भी बच्चों को सिखाना है, पहली तो बहुत आसान हो गई, अब जैसे कमल वाला ही आप उदाहरण ले लो, तो कमल में आखिरी ध्वनि क्या है, तो आप सबको पता है कि ला है, तो बच्चा बताएगा ला जो आखिरी ध्वनि है, तो यहां पर बच्चा काफी गलती करेंगे, बोल देंगे कि का है, क्योंकि पहली और आखिरी समझ नहीं अगर पाए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उनको पता चलेगा हाँ पहली वाली का है और अंतिम वाली ला है ध्वनि कमल में। तो इस तरह से बच्चा सीख जाएगा शुरू में क्या है और अंत में क्या है। अब देखो फिर है अक्षरों को लिखना, बिंदुओं को जोड़ना, ये चीजें यहां पर आएंगी। तो लिखना जोड़ना, ये देखो इस तरह से मान लीजिएगा ये मछली है, मछली बनी है डॉट डॉट में सब पूरी, अब सामने एक माँ भी लिखा हुआ डॉट डॉट में, अब करना क्या है, बच्चा इसको दोहराएगा लाइन पर लाइन ले जाएगा और इस तरह से क्या करेगा, फिर वो माँ बनाएगा, यानी माँ से मछली जो है यहाँ पर दिख रहा है वो बनाएगा। तो इस तरह से माँ वाला जो अक्षर है वो भी बच्चा सीखेगा, ऐसे करके तमाम चीजें आप उनको सिखवा सकते हैं। फिर देखो अंग्रेजी के बारे में, तो अंग्रेजी में बड़े अक्षर के प्रतीक को पहचानना, बच्चा इसको भी सीखेगा, जैसे कि ए हो गया। अब देखो ए बी सी डी यहाँ पर रखी है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहन इनके पास में ए वगैरह वाली ए बी सी डी अल्फाबेट दिया हुआ है, तो बच्चा इस तरह से यहाँ पर बताएगा ये कि क्या है, ये ए है, इस तरह से छांटने वाला भी करवाओ। अक्षर के प्रतीक को पहचानना, तो अक्षर के जैसे प्रतीक देखो ये छोटी वाली ए उन्होंने दे दी, तो ये बताएगा बच्चा कि ए है, ठीक। तो अभी फिलहाल के छोटा बड़ा तो बाद में सीखेगा, छोटी ए है बड़ी ए है, लेकिन हाँ वो ए वगैरह सीख जाएगा, बी सीखेगा, इस तरह से उसको अक्षर पहचानने आने चाहिए सब तरह के, हिंदी वाले अंग्रेजी वाले दोनों। अब अंग्रेजी अक्षरों को लिखना भी बच्चा सीख जाए, इसके लिए भी देखो प्रक्रिया में क्या है, ये यहां पर देखो इस तरह से बच्चा बना रहा है बिंदु को, यहां पर ए जैसा कुछ लिख रहा है, अब इस तरह से मिलाएगा तो वो सब सीखेगा, ये वी उसने बनाई है, ठीक, क्योंकि इस तरह से सीधे ही आप पढ़ेंगे ना, तो सीधा अगर आप देखें तो ये क्या है, वी बनी हुई है, तो इस तरीके से बच्चा ये भी सीखेगा। फिर है परिमाण और संख्या की पहचान, तो इसमें भी आप देख सकते हैं परिमाण और संख्या की पहचान में क्या करना होता है, इसमें देखो हो क्या रहा है कि जमीन अथवा दीवार पर चाक से एक लकीर खींच लेनी है, जैसे कि ये लकीरें खींच ली गई तीन तरह से, बच्चों को हाथ से लकीर को मापने के बारे में भी सिखाएं, और मापने के लिए कोहनी से हाथ की सबसे बड़ी उंगली के अंत तक इस्तेमाल करने के लिए कहें, जैसे कि देखो मापने के लिए बच्चा है कि कोहनी से लेकर के उंगली तक का माप रहा है, ऐसे वाली भी एक माप होती है। फिर एक माप देखो यहाँ पर ये पूरा अंगूठे से जो आपकी छोटी जो एक सबसे छोटी जो उंगली है जो उसके उससे जो आप लोगों को क्या करना है माप लेनी है, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, फिर ये देखो पैर पैर जो है रखते हुए यहाँ पर इस तरह से मापी जा रही है कि इतने पैर ये हो गए, इस तरह से जो है यहाँ पर बच्चों को मापना सिखाना है, बच्चों को पैर लाठी और रस्सी इन सबसे माप करना सिखाना है, रस्सी से भी सिखाना है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो फिर क्या है परिमाण और गिनना, तो पहला स्तर परिमाण और गिनने में क्या है, देखो यहाँ पर कोई चीज एक रख दी गई बच्चों को गिनवाए कि ये कितने हैं, बच्चा बताएगा एक है, फिर दो रख दें बच्चा बताएगा दो है, इस तरह से, और ये भी सब बताएंगे
बताओगे ये क्या है, कैसे है सब चीजें, जैसे कि मोती आप ले लो, दाने वाने ले लो, जमीन पर रखोगे और फिर उनसे पूछोगे, बच्चा बताएगा कितने मोती हैं, क्या हैं, कैसे दाने, ये सब। अब परिमाण और गिनना, दूसरा स्तर उसका क्या होता है गिनने का, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, 9 मोती ले लिए, दाने रखने के लिए बच्चों को कुछ मोती दाने उठाने के लिए भी कह देनी है, फिर उनमें से पूछे कि कितने मोती दाने आपने उठाए हैं, ठीक। तो यहां पर मान लीजिएगा 9 मोती आपने कटोरी में रखे, बच्चों को बोलो इसमें से उठा लो, तो जो बच्चा उठाएगा, फिर पूछो आपने इसमें से कितने उठाए, गिनो इनको, फिर बच्चा गिनेगा हमने इतने उठा लिए। तो इस तरह से बच्चों को यहाँ पर दाने गिनने वाला भी एक प्रोसेस चलेगा। फिर जोड़ करना सिखाएंगे आपको, जो है यहाँ पर बच्चों के सामने एक मोती या दाना रख देना है, गिनने के लिए जो है वहां पर कहना है, बच्चा बता देगा एक है पट से, फिर आप उसमें से एक और मोती रख दे उसी में, तो दो हो जाएंगे, बच्चा पट से बताएगा दो हो गए। इस तरह से 9 की संख्या को वहां पर बताएंगे कि इसमें ये देखो एक हमने जोड़ दिया, तो इसमें देखो दो हो गए, ऐसे करके 9 तक उनको सब जोड़ना ओड़ना इन्हीं से बना बना करके सिखाना है। फिर देखो हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं 8B 5 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, तो 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों को कैसे क्या पढ़ाना है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके बड़े वाले बच्चे हैं जिनको आप कक्षा 1 के लिए तैयार कर रही हैं, तो इनके लिए भी अगले वीडियो का इंतजार करना, बहुत ही बढ़िया सा एक वीडियो अगला लेकर के हम